जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की कि किस तरीके से आप अपने आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म स्टेटस चेक कर सकते हैं, साथ ही यदि आपका ग्रुप डी का फॉर्म कैंसिल हो गया है तो आप उसको किस तरीके से सही कर सकते हैं। तो ग्रुप डी की कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि आप ग्रुप डी का फॉर्म का स्टेटस किस तरीके से चेक कर सकते हैं, उसके बाद आपका यदि फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो आप उसको किस तरीके से सही कर सकते हैं उसकी हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको अपना फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको आना है नीचे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी सारे लिंक देखने को मिल जाएंगे, आप यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है चेक फॉर्म स्टेटस, इसके सामने जो ये क्लिक हर लिखा हुआ है, इस क्लिक हर पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। जैसे ये दोस्तों आप इस क्लिक हर पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दिस मॉडिफिकेशन लिंक इज लाइव फॉर्म 15/12, यानी 15 तारीख से आपके स्टेटस जो है वो चेक होने शुरू हो गए हैं जो आपके 26/12 तक चलने वाले हैं। और साथ ही यदि आपका फॉर्म कैंसिल हुआ है तो अब भी आप 26 तारीख तक ही इसको जो है सही कर पाएंगे। 26 तारीख से पहले दोस्तों आप अपने फॉर्म को चेक कर लें, यदि आपका फॉर्म गलत है तो उसको सही कर लें। तो दोस्तों आपको चेक करने के लिए यहाँ पर नीचे जाना, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको डालना है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर। यदि आपको अपना स्टेटस जानना है तो आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद ये सुरक्षा कोड जो है इसको दोस्तों आपको यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद दोस्तों आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने नया इंटरफेस आएगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से आएगा। और साथ ही यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो आप इस फॉरगेट पर क्लिक करके जो यहां पर लिखा हुआ है ये देख सकते हैं रेड कलर में फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इस पर क्लिक करके दोस्तों आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जैसे ही आप यदि आप भूल गए रजिस्ट्रेशन नंबर तो इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहां पर दोस्तों यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कौन से रेलवे से आपने जो है फॉर्म डाला था, नॉर्थ टू सेंट्रल रेलवे या ईस्टर्न रेलवे, वेस्ट रेलवे तो सेंट्रल रेलवे, कौन सा भी आपने फॉर्म डाला था जहाँ से वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपको मोबाइल नंबर या आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों ये सिक्योरिटी कोड जो है यहाँ पर फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जो आपका नंबर है वो स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, साथ ही आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले प्रोसेस बताया था वहाँ जाकर यहाँ पर आकर दोस्तों उसको फिल कर सकते हैं और अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो जो दोस्तों मैंने आपको पहला स्टेप बताया था आपको यहाँ पर वो सब फिल कर लेना है। फिल करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर सारा डाटा फिल कर देंगे फॉर्म स्टेटस चेक करने के लिए तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है यूअर एप्लीकेशन इज़ प्रोविजनली एक्सेप्टेड। तो यदि आपका फॉर्म कैंसिल नहीं हुआ है, एक्सेप्ट हो गया है, तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यदि आपका ये लिखा हुआ आता है तो आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो गया है, आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं हुआ है। यदि आपका यहाँ पर रिजेक्ट लिखा हुआ आता है इसकी जगह, तो आपको दोस्तों दोबारा फॉर्म जो है फ़ोटो अपना और सिग्नेचर द्वारा अपलोड करना होगा। आपको किसी भी साइबर कैफ़े पर जाना है, वहाँ से बताना है कि मेरा फॉर्म जो है कैंसिल हो गया है, तो वो जो है सही से फिल कर देंगे। डेट ऑफ अपना जो है आपका आपका फ़ोटो और आपके सिग्नेचर। और किस तरीके से यदि आप मोबाइल से फिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैक आना है जहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको हमारी साइट पर आना है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी वेबसाइट है, तो इस पर आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है री अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप हर पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये फ़ोटो सिग्नेचर मांगेगा, आपको उसको अपलोड कर देने हैं, आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब मिल जाएगा। और लगातार जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।